देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। वेमित्रा शिवनाथ नदी में तैरती हुई अज्ञात लाश ग्रामीणों द्वारा देखी गई। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर SDOP वेमित्रा राजीव शर्मा एवं थाना वेमित्रा पुलिस पहुंचकर अज्ञात लाश के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई। थाना वेमित्रा ने मृतक के सब पंचनामा कार्यवाही कर सबका PM कराया गया। जांच पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार वेंस के मार्गदर्शन पर SDOP वेमित्रा राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली वेमित्रा निरीक्षक राजेश मिश्रा व थाना स्टाफ एवं रक्षित केंद्र वेमित्रा से एक टीम गठित कर प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में लगाया गया था। हत्या के प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में मुख्य वादा अज्ञात शव की पहचान की थी। अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। अज्ञात शव व आरोपी का पता करने के दौरान पता चला कि थाना वैरला के ग्राम वारगांव निवासी लालाराम साहू की हत्या कर वारगांव के रहने वाले नारायण निषाद ने ही की थी, जिसे थाना वैरला में मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया था, जिसने 8 माह पहले नारायण निषाद मृतक लाल राम साहू की पत्नी भगवंतीन बाई के साथ मारपीट कर उसकी दांत तोड़ दिए थे। थाना वैरला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मारपीट की घटना के बाद आरोपी नारायण निषाद गांव से फरार हो गया था, जो कि अज्ञात लाश शिवनाथ नदी में मिली थी। SDOP वेमित्रा राजीव शर्मा ने थाना वैरला में पंजीबद्ध दोनों अपराधियों का बारीकी से अध्ययन कर थाना वेमित्रा के मामले में कहीं न कहीं इसकी तार थाना वैरला के मामले से जुड़े होने की संदेह पर SDOP वेमित्रा राजीव शर्मा के द्वारा पूछताछ करने पर दिलीप साहू ने नारायण निषाद की हत्या करना कबूल करते हुए घटना के बारे में विस्तार से बताया। 2018 में उसके पिता की हत्या नारायण निषाद द्वारा की गई थी। मृतक की बहन के द्वारा मृतक के शर्ट को जो आरोपी द्वारा मृतक के शरीर से निकाल कर रखे थे, जिसे मृतक के परिजनों के समक्ष दिखाने पर मृतक की बहन ने देखकर उक्त शर्ट को अपने भाई नारायण साहू के रूप में की आरोपी। आरोपी से हत्या में प्रयुक्त जोता रस्सी व मृतक के शर्ट को निशानदेही पर जब्त किया गया। आरोपी दिलीप साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। यह मामला है, ये दिनांक 13/9/2019 को ग्राम खमरिया सलना के पास से ये सूचना प्राप्त हुआ कि शिवनाथ नदी में अननोन डेड बॉडी पानी में तैरते हुए पाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर जाकर मौके पर ये इमरजेंसी मिशन कायम कर जिला अस्पताल PM के रवाना किया। PM के बाद डॉक्टर साहब द्वारा PM रिपोर्ट में ये लेख कर दिया गया कि उक्त व्यक्ति की हत्या की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302-201 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूँकि मृतक अज्ञात व्यक्ति था तो उसके